उगाचाच मेकअप केला, मास्क मुळे काय दिसणार थोडी ना. अच्छा हे बोलली. हॅलो कार्तिक. ओके, सो दॅट वॉज एन जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ मी बीइंग मी ऑन माय फर्स्ट डे टू दिस प्लेस. बेसिकली वी आर इन रत्नागिरी. कल से मेरी एग्जाम शुरू हो रही है और मैं ये बहुत बड़ा रिस्क लेके यहाँ पे आई हूँ दैट आई एम गोना गिव एग्जाम ओवर हियर विथ फुल ऑफ दीज प्लान्स. सो या, सी यू टुमारो. जब तक बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक अ फाइनल इंट्रो फॉर दिस वीडियो. वेलकम यू ऑल टू दिस नॉट अ परफेक्ट व्लॉग बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑफ व्लॉगिंग. वो बच्चे नहीं होते जो दो मिनट की मैगी बनाने के लिए 13 मिनट का वीडियो बनाते हैं. आई एम दैट पर्सन. बट आज है डे टू, सो वेलकम टू डे टू. और डे टू में हम सब तैयार होके बस निकलने ही वाले थे लाइक सुबह सुबह और बारिश हो गई सो हमारा प्लान कैंसिल हो गया. हमने बुक जो गाड़ी करी थी वो भी कैंसिल हो गई. सो अब जब बुक करी क्योंकि बारिश चली गई थी तो 2 बजे का टाइमिंग दिया है. सो तब तक के लिए हम जो तैयार बैठे थे वो टाइम पास कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी क्योंकि अभी तक 2 बजे नहीं है. और फोटोशूट कर रहे थे एंड माई सिस्टर इज लुकिंग बॉम टुडे. सो आई एम गोना शो यू गाइस दिस बॉम. दिस too flat. दो बजे की परफेक्ट धूप निकल चुकी है और फाइनली अब हम निकल रहे हैं. वी आर हेडिंग टू आवर वे. गणपतिपुळे. यहाँ पे एक मराठी मूवी भी बनी थी बहुत साल पहले, लाइक मैं बहुत छोटी थी और उसका एंडिंग देख के मुझे हमेशा इमोशनल फील होता था. और यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, लाइक बहुत बार. और जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है. Oh, 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 oh
शिट, हम मेरी बहुत फटी पड़ी थी, मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाई। अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार। अभी हम आए मैजिक शो, मम्मा खूब ही थी वटे सर। वेलकम बैक, इट्स डे 4 और डायरेक्टली हम डे 2 से डायरेक्ट डे 4 पे आए हैं, क्योंकि कल का डे वॉज लाइक पूरा ऑफ और हमने स्पेशली ये सब कुछ किया नहीं, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं करा। और एग्जाम्स तो प्रेशर है, पढ़ाई नहीं है बट प्रेशर तो है ना, तो इसलिए। और अब हम निकल रहे हैं इस जगह को, टाटा बाय बाय करने वाले हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गोना मिस दिस प्लेस। हमेशा क्या होता है, व्हेनेवर आई से बाय बाय, टाटा बाय बाय टू एनी प्लेस, तो मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी जगह से, किसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं है जिससे मेरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। बट सरप्राइजिंगली ये टाइम मेरा कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं हुआ है किसी भी चीज़ से इस घर के रिलेटेड। आई डोंट नो व्हाई, बट सरप्राइजिंगली इट्स ग्रेट। के लिए जहाँ पे हम रह रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे क्यूट पपीज है यहाँ पे अंदर, और हमें हमें इनको लेके जाने का बहुत मन है, बट हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं लेके जा सकते। दे आर लाइक सुपर क्यूट पपीज, न्यूली बॉर्न। प्लीज यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि लेके जाओ अपने साथ, पर हम बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। वाइट बिगड़ती नहीं है, बट अभी पर अभी क्या ही कर सकते हैं। लेट्स गो। It's day 6 or 7, I guess. I really don't know. कल तो मैं बिल्कुल भी कुछ शॉट करना भूल गई। I slept for like 3 straight hours और बिल्कुल भी मुझे होश नहीं रहा कि मुझे कुछ शॉट करना है। मैं व्लॉगिंग करना लेजिटली भूल गई थी,
और as you can see यहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है, क्योंकि सब बाहर गए हैं और मैं अकेली घर पे हूँ. सब बाहर चले गए बिकॉज आई वॉन्टेड टू रियली रिलैक्स. इतने दिन थे ट्रिप्स के, बट सबसे पहले मैं उठती थी 6 बजे, क्योंकि मेरी 7 बजे अटेंडेंस, फिर 8 बजे एग्जाम. आई वॉन्टेड दिस ट्रिप वाली स्लीप फ्रॉम सो लॉन्ग. दैट्स व्हाई यू आर इन फॉर द ट्रिप. वॉन्टेड टू शॉट अ वीडियो फॉर फ्यूचर विच इज गोइंग टू बी अप obviously after this whole vlog. वो शूट हो चुका है, I'll edit it and put it down जब वो दिन आ जाएगा. Packing has almost done because हम कल अब निकल रहे हैं. This sofa is a legit attachment now. All these people call me Archana Puran Singh because I am just stick to the sofa जब से हम यहाँ पे आए हैं, and I'm like just in too love with this. Guess what? Editing भी हो चुकी है and I'm happy कि जो मैंने वीडियो का थीम सोचा था वैसे ही थीम बन गया है. I hope you will love it when it will be out finally. I'm actually enjoying nature. I am outside the house and I'm sitting over here. यहाँ के घर ऐसे ही इसी रो में है, क्योंकि मेरी शांति भंग करने के लिए सारे लोग अब 1 घंटे में यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे. दिस डे विल एंड सून और कल का दिन भी आ जाएगा और ये वेकेशन ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो आई एम एंडिंग अप दिस व्लॉग ओवर हियर बिकॉज इट्स द लास्ट डे एंड वी आर वे टू आर मुंबई. आई एम फाइनली वे टू मुंबई. So hope you guys just appreciate the whole vlog, the struggle of like the whole video. Don't forget to like, share and subscribe and comment the notifications. Okay, get a notification. So, bye bye.